सपा नेता आजम खान ने रामपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कम मतदान का कारण पुलिस की ज्यादती को बताया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव दोबारा से होना चाहिए, हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में जीत को लेकर वो आश्वस्त भी हैं। अखिलेश यादव से रिश्तों में दूरी पर उन्होंने कहा कि कोई दूरी नहीं है, हाँ कुछ बातों की तकलीफ जरूर है। बृहस्पतिवार को मतदान के दौरान आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने कम मतदान को लेकर पुलिस पर निशाना साधा था। शुक्रवार को आजम खान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस के आतंक की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा। बोले, लोकतंत्र में क्या ये होगा कि दरोगा एक शरीफ वोटर को, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसे ठोकरों से मारे, उसका गला दबाए। जब एक ही व्यक्ति के साथ इतना अन्याय होगा तो कौन घर से निकल कर आएगा। उन्होंने कहा कि हम इन सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं। चुनाव परिणाम पर सपा विधायक ने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर मतगणना में धांधली ना हो, हम इस जीत को भी दरकिनार करना चाहते हैं कि उपचुनाव दोबारा हो। कहा कि अधिकारियों ने लाठी बरसाई, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, एक घंटे तक पोलिंग रोक दी गई, पुलिस के इस आतंक की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा, ये लोकतंत्र का कत्ल है। अखिलेश यादव के लोकसभा उपचुनाव प्रचार में रामपुर न आने और उनसे दूरी के सवाल पर कहा कि कोई नाराजगी या दूरी का इससे लेना देना नहीं है, हाँ कुछ बातों की तकलीफ जरूर है। कहा कि सेहत खराब होने के कारण सपा विधानमंडल की बैठक और शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा की बैठक में नहीं जा सका। दो ऑपरेशन हो गए हैं, एक और होना है, जब जरूरी होगा तो लखनऊ बैठक में भी जाऊंगा। आगे की रणनीति पर कहा कि अब घर के रूठों को मनाना है और जो घर छोड़कर चले गए हैं उन्हें वापस घर लाना है। जगह जगह छोटे छोटे सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। आजम खान ने कहा कि मंडलायुक्त पर रामपुर की बर्बादी का दाग है, उन्हें ये बस्ती पसंद नहीं आती। बस्ती क्यों पसंद नहीं आती, इस सवाल के जवाब पर कहा कि शायद यहाँ पर कुछ सड़कें और गलियां बन गई, बच्चों के लिए स्कूल बन गए, इसलिए पसंद ना आती हो। कहा कि हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो चाहे कितने ही अधिकारी भेज दें मतगणना के लिए, लेकिन मंडलायुक्त को न आने दे। आजम ने आरोप लगाया कि अगर मंडलायुक्त मतगणना में आएंगे तो बेईमानी कराएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी वो सिर्फ दो सीटों पर गए और दोनों जगह सपा हार गई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।